नमस्कार दोस्तों, एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो अभिनय सर का पीडीएफ है उसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको आप कमेंट में डिस्क्राइब कीजिए कि कहाँ दिक्कत आ रहा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, अ कॉन्स्टेबल फॉलो अ थीफ हु इज 200 मीटर अहेड ऑफ द कॉन्स्टेबल। यानी यहाँ पे फिर अगर आपको वही क्वेश्चन दे रखा है, कॉन्स्टेबल और थीफ है, इन दोनों का बीच का दूरी क्या है, 200 मीटर। इफ द कॉन्स्टेबल एंड थीफ रन एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, द कॉन्स्टेबल वुड कैच द थीफ इन हाउ मच टाइम। यहाँ पे आपको टाइम पूछ रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे फिर काफी इजी है, आपको कॉन्स्टेबल और थीफ के बारे में क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। तो स्पीड का जो यहाँ पे आपको दे रखा है वैल्यू, वह है 8 कॉन्स्टेबल के लिए और 7 थीफ के लिए। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है जो कि इन दोनों के बीच का है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है, तो इसका बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 1। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 200, यानी यह 200 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो सारे वैल्यू को 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, कॉन्स्टेबल का टाइम पूछा है, कॉन्स्टेबल का ही हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। तो जो कॉन्स्टेबल द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है 1600 मीटर, लेकिन हमें टाइम पूछा गया है, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं तो 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका स्पीड क्या है, 8 का, तो 8 का स्पीड से 1.6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह डेसिमल हटेगा, 80 हो जाएगा, यह 1/5 हो जाएगा। तो 1/5, और अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 मिनट, यानी 12 मिनट में थीप कॉन्स्टेबल जो है थीप को पकड़ लेगा। आई होप यहाँ से इसको आप समझ गए होंगे। चलिए, इसका मैं एक वर्जन और देता हूँ, अलग तरीके से इसको कैसे सॉल्व करें, जहाँ पे कि हम लोग डायरेक्ट टाइम पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि यह कॉन्स्टेबल 8 से चलता है और थीप 7 किलोमीटर पर घंटा है, इस स्पीड से दोनों चल रहा है। अगर ध्यान से सुनिए, अगर 1 घंटा अगर चले कॉन्स्टेबल तो यह कितना दूरी कवर ज्यादा चल लेगा, तो 1 घंटा में यह 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर ज्यादा चल लेगा। कितने मिनट में, 60 मिनट में। लेकिन इसको तो ज्यादा 200 मीटर ही चलना था, क्योंकि थीप जो है 200 मीटर ही आगे है, तो 200 मीटर आगे चलने के लिए इसको कितना मिनट लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा मिनट। यह क्या है आपका डिस्टेंस और यह है टाइम, और टाइम किस में है, मिनट में। तो यह देखिए 1/5 हुआ, तो इसका 1/5 कर दीजिए, डायरेक्ट 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नाउ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है। आई होप अभी तक जो चोर और पुलिस पे जो क्वेश्चन थे पीडीएफ में जितने, मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ और आप उसको समझ चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें। श्याम एंड राधा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए एंड बी एट स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू मीट ईच अदर। श्याम हैड वॉक्ड 1500 मीटर मोर देन राधा हैड वॉक्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब यहाँ पे फिर अगर आपको रेशियो का ज्ञान है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। आपको स्पीड का स्पीड दे रखा है कितना कितना, आपको यहाँ पे श्याम का और राधा का, श्याम का स्पीड 21 का है और राधा का 15 का। जो डिस्टेंस होगा यह भी इसी रेशियो में होगा, तो 21 और 15। अब इसको, इस रेशियो को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो देट कैलकुलेशन हम लोगों का थोड़ा और ईजी हो जाए। तो सेव, यहाँ पे आपको कॉमन क्या आ रहा होगा, 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो यह 7 और यह 5। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है यह कितना है, 2, लेकिन आपको एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 500 मीटर, यानी कि यह 250 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो सारा वैल्यू यहाँ डिस्टेंस में जो वैल्यू है वह 250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए
अब यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम लोग इस रेशियो को काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने कंपैरिजन किया है। तो यह 250 से मल्टीप्लाई हो रखा था, यह भी सारा जो डिस्टेंस है यह भी 250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस के लिए क्या होगा, यह दोनों ऐड हो जाएगा, 12 × 12 गुना 250। अब इसको कई तरीके से आप जैसे कम्फर्ट है वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इस 25 को 100 करने के लिए 4 से गुना कर देता हूँ। अगर 4 से गुना किए, 4 से भागा भी करना होगा, तो यह 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और यह गुना होकर क्या आ जाएगा, 1000। तो यानी 3 × 1000 यानी 3000 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वह क्या हो गया, 3 किलोमीटर। यह तो हुआ एक मेथड। चलिए मैं इसको एक और मेथड से आपको समझाता हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसको आप आगे क्वेश्चन में यूज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, श्याम 21 किलोमीटर और राधा 15 किलोमीटर, यानी अगर दोनों को ऐड कर दे तो दोनों कितना चला, 36 किलोमीटर। और जब दोनों 36 किलोमीटर चलता है तो श्याम कितना ज्यादा चलता है, 6 किलोमीटर, 15 × 6 = 21, यानी 6 किलोमीटर को बोल सकते हैं 6000 मीटर। 6 किलोमीटर 6000 मीटर हो गया, यानी 36 किलोमीटर जब चलता है तो उसको 6000 मीटर श्याम ज्यादा चल लेता है। लेकिन जब 500 मीटर चलेगा तो टोटल कितना दूरी दोनों के बीच रहा होगा, तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यह 2 टाइम्स में इसको 2 से कीजिएगा 18, और यह 6 से कीजिएगा 3, तो आ जाएगा 3 किलोमीटर आपका इसका आंसर। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसी चीज को मैं अलग तरीके से थोड़ा आपको समझाता हूँ। दोनों 36 किलोमीटर चलते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाता है, यानी यह कितना ज्यादा चल लेता है, 6000 मीटर। और जब दोनों 36 किलोमीटर चलता है तो यह 6000 मीटर ज्यादा चल लेता है। तो क्वेश्चन में मैं कितना दे रखा, 500 मीटर, तो 500 मीटर ज्यादा चलने के लिए दोनों कितना किलोमीटर चला होगा, तो यहाँ से वह वैल्यू आ जाएगा। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो यह देखिए इस कितना गुना हो रहा है, यह 12 गुना। तो किस वैल्यू का 12 × 36 होता है, किस वैल्यू का 12 गुना, यह कितना 12 टाइम्स है। तो इसी तरीके से किस वैल्यू का 12 × 36 होगा, 3 का, तो यह 3 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी, ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर एट 16 miles per hour एंड 21 miles per hour रिस्पेक्टिवली एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग। द सेकेंड ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 60 miles मोर देन द फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 37 किलोमीटर। जब दोनों चलता है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाता है, कितना माइल्स का, तो अगर आप देखेंगे तो या फिर यहाँ पे 5 miles का डिफरेंस हो जाता है, तो यह 60 miles का डिफरेंस कितने किलोमीटर में आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो यह आ गया 12, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 370, और 37 को फिर 2 से कर देंगे तो 74, तो यह आ जाएगा 444 यानी 444 miles। तो यह हो गया इसका आंसर। आई होप इसको भी समझ गए होंगे आप। अगर कहीं पे अगर आपको दिक्कत आ रहा है समझने में तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, सो दैट मुझे पता लग पाए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं आपको इससे आगे का कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF भी दे दूंगा, जहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।